कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। समकोण त्रिभुज में थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अथवा 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्यामिति का उपयोग कर पता कर सकते हैं। आइए देखें। 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है तथा कोण सी बराबर 45 डिग्री है। स्पष्ट है कि कोण ए भी 45 डिग्री का होगा। यदि बीसी बराबर ए हो तो ए भी बराबर ए, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से बराबर ए का वर्ग धन ए का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। एसी बराबर ए वर्गमूल 2। चूंकि कोण सी बराबर 45 डिग्री के लिए बीसी आधार, एबी लंब और एसी कर्ण है, इसलिए साइन सी बराबर साइन 45 डिग्री बराबर एबी बटा एसी बराबर ए बटा ए वर्गमूल 2 बराबर 1 बटा वर्गमूल 2। कॉस 45 डिग्री बराबर बीसी बटा एसी बराबर ए बटा ए वर्गमूल 2 बराबर 1 बटा वर्गमूल 2। टेन 45 डिग्री बराबर एबी बटा बीसी बराबर ए बटा ए बराबर 1। कॉट 45 डिग्री बराबर 1 बटा टेन 45 डिग्री बराबर 1 बटा 1 बराबर 1। सेक 45 डिग्री बराबर 1 बटा कॉस 45 डिग्री बराबर 1 बटा 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2। कोसेक 45 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 45 डिग्री बराबर 1 बटा 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2। 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिभुज एबीडी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a व प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। B से AD पर लंब डालें, यह AD को C पर मिलेगा, इसलिए AC बराबर CD बराबर A। कोण ABC बराबर कोण DBC बराबर 30 अंश। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है एवं शीर्ष के कोण को समद्विभाजित भी करता है। अब समकोण त्रिभुज ACB में कोण सी समकोण है। कोण ABC बराबर 30 डिग्री तथा इस कोण के लिए BC आधार, AC लंब और AB कर्ण है। BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग, BC का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग से बराबर 2A का वर्ग ऋण A का वर्ग बराबर 4A का वर्ग ऋण A का वर्ग बराबर 3A का वर्ग बराबर A का वर्ग गुणित 3, यानि BC बराबर A वर्गमूल 3। अब हमारे पास AB, BC और AC के मान हैं। आप इनकी सहायता से 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान अपनी कॉपी में लिखिए। आपके साथियों ने जो मान निकाले हैं उनसे मिलाइए। 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री है। इस कोण के लिए लंब BC बराबर A वर्गमूल 3 है। आधार AC बराबर A तथा कर्ण AB बराबर 2A है। साइन 60 डिग्री बराबर BC बटा AB बराबर A वर्गमूल 3 बटे 2A बराबर वर्गमूल 3 बटा 2। कॉस 60 डिग्री बराबर AC बटा AB बराबर A बटे 2A बराबर 1 बटा 2। टेन 60 डिग्री बराबर BC बटा AC बराबर A वर्गमूल 3 बटे A बराबर वर्गमूल 3। शेष अनुपात साथियों के साथ मिलकर प्राप्त कीजिए। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। 0 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना होगा जिसका एक कोण 0 डिग्री का हो। क्या ऐसा त्रिभुज संभव है?
इस सवाल पर अपने साथियों से चर्चा कीजिए। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज का कोई न्यून कोण लगातार छोटा और छोटा होता जाए तो उसकी भुजाओं की लंबाइयों में कैसा बदलाव दिखाई पड़ता है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कोण PQR वह कोण है जिसे 0 डिग्री तक छोटा करना है। पहले चित्र से 6वें तक क्रमशः कोण थीटा को छोटा होता हुआ दिखाया गया है। कोण को छोटा करते जाने पर लंब PR में क्या कोई बदलाव आ रहा है? क्या कर्ण QP में भी कोई बदलाव दिखाई पड़ रहा है? आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है PR भी छोटा होता जा रहा है। जब थीटा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा तब PR भी लगभग 0 के बराबर होगा। अतः जब थीटा बराबर 0 होगा तब लंब PR बराबर 0। इसके साथ ही QP भी छोटा हो रहा है और लगभग आधार QR के बराबर होता जा रहा है। अतः थीटा बराबर 0 पर आधार QR बराबर कर्ण QP। अतः साइन 0 डिग्री बराबर PR बटे QP बराबर 0/QP बराबर 0। कॉस 0 डिग्री बराबर QR बटे QP बराबर 1, चूंकि QR बराबर QP दिया है। टेन 0 डिग्री बराबर PR बटे QR बराबर 0/QR बराबर 0। कॉट 0 डिग्री बराबर QR बटे PR बराबर QR बटे 0 बराबर अनिर्धारित, क्योंकि किसी परिमेय संख्या के हर में 0 हो तो वह अनिर्धारित है। सेक 0 डिग्री बराबर QP बटे QR बराबर 1। कोसेक 0 डिग्री बराबर QP बटे PR बराबर QP बटे 0 बराबर अनिर्धारित। 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए ऐसा समकोण त्रिभुज लेना होगा जिसका एक न्यून कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए। उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है? त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण PQR को लगातार 90 डिग्री तक बढ़ाना है। चित्र में 1 से लेकर 5 तक कोण Q को क्रमशः बढ़ता हुआ दिखाया गया है। कोण Q को बढ़ाने पर आधार QR में क्या कोई बदलाव आ रहा है? क्या कर्ण PQ में भी कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं कि Q का मान बढ़ाते जाने पर आधार QR छोटा होता जा रहा है, तथा जब Q बराबर 90 डिग्री होगा तब QR 0 हो जाएगा। इसके साथ ही PQ भी छोटा होता जा रहा है और लगभग लंब PR के बराबर होता जा रहा है। अतः कोण Q बराबर 90 डिग्री पर कर्ण PQ बराबर लंब PR और आधार QR बराबर 0। अब साइन 90 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण बराबर PR बटे PQ बराबर 1। कॉस 90 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण बराबर QR बटे PQ बराबर 0/1 बराबर 0। टेन 90 डिग्री बराबर लंब बटे आधार बराबर PR बटे QR बराबर PR बटे 0 बराबर अनिर्धारित। इसी प्रकार अन्य अनुपातों के लिए मान लिखिए। विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सारणी देखें।